प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जुमे का दिन है और सना अंसारी आज कहाँ हैं और कहाँ रहने वाली हैं, कहाँ पर उन्होंने स्टे किया है और सना अंसारी की लाइव लोकेशन क्या है, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि सना अंसारी इस वक्त में कहाँ पर मौजूद है। अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको सना अंसारी चलती हुई नजर आ रही है। कुछ महिलाएं भी है, कुछ नौजवान भी है। उसके आगे सना अंसारी को देखिए, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है और इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। माशाल्लाह, छोटी छोटी बच्ची और नौजवान बच्ची भी इनका स्वागत कर रही है फूल माला उनके गले में डाल करके। और आप देख रहे हैं कि लोकेशन ये है कि पीछे कुछ दुकानें हैं, मकान है। सना अंसारी यहाँ पर क्या कह रही है, कहाँ पर उन्होंने स्टे किया है, इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला भी हूँ कि सना अंसारी कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें इस कदर भीड़ आपको नजर आ रही है कि शायद आपने कभी किसी के पीछे इतनी भीड़ नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, सिया भाई के पीछे भी कभी कभी इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी कि सना अंसारी के पीछे इस वक्त में आपको भीड़ नजर आ रही है। और जितनी भी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सना अंसारी की सारी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं इतनी भीड़ जरूर नजर आएगी कि जितनी कभी सिया भाई के साथ भी नहीं होती थी। हालांकि जब सिया भाई हज करने के लिए गए थे तो हिंदुस्तान में पहली बार सिया भाई पैदल हज करने के लिए गए थे तो उस वक्त में उनका बहुत ज्यादा सम्मान और बहुत ज्यादा इस्तकबाल होता था। लेकिन सना अंसारी भी सिया भाई से कम नहीं है और महिलाओं ने ठान लिया है कि सबसे ज्यादा स्वागत इनका महिला कर रही है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड कायम करने वाली है। हिंदुस्तान में पहली बार एक महिला पैदल हज यात्रा पर निकली हुई है। तो दोस्तों, सना अंसारी की अभी तबीयत खराब है, उन्होंने क्या वीडियो अपडेट दिया है वो वीडियो भी देख ले, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। और उसके बाद अहमदाबाद में ही हम एक दो दिन स्टे करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, पैर में छाले आए हैं, इस वजह से हम अहमदाबाद में दो तीन दिन रुकेंगे, स्टे करेंगे। तो इंशाल्लाह कल अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। तो आप सब दुआ करिए हमारे लिए कि हमारा सफ़र जो है वो आसान हो जाए। और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो दोस्तों, आप सबने सुन लिया कि सना अंसारी कह रही है कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं और मेरी तबीयत भी खराब है, इसलिए आप सब मेरे लिए दुआ करें। तो दोस्तों, ये वीडियो अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अहमदाबाद की वीडियो एक मकान की वीडियो है जहाँ पर सना अंसारी ने स्टे किया है, सना अंसारी ने आराम किया है और वहाँ पर आपके सामने बहुत सारी महिलाएं भी आपको नजर आ रही है और साथ में बीच में बैठी हुई जिनके गले में माला पड़ी हुई है वो सना अंसारी है। ये फोटो लेना और सेल्फी लेने वाला मुझको गलत लगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।